बारिश के मौसम में हमें भुट्टे यानी कि स्वीट कॉर्न काफ़ी अच्छे और फ्रेश मिलते हैं और उसका उपयोग करके हम सब्जी, चाट, पकोड़े और काफ़ी कुछ बनाते हैं। तो आज हम बारिश में खाने का मज़ा आए वैसे बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी स्वीट कॉर्न पराठा बनाना सीखेंगे। इसे आप एक बार बनाकर 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखें। पराठे बनाने के लिए मैंने 2 नंग बड़ी साइज़ के यानी कि वज़न के मुताबिक आधा किलो फ्रेश स्वीट कॉर्न लिए हैं और उसके ऊपर जो छिलका और रेशे है उसे निकाल दिया है। अब छोटे छेद वाले ग्रेटर की मदद से हम दोनों मकाई को कद्दूकस करेंगे। आप उसे मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हैं, लेकिन मकाई के ऊपर जो पतला छिलका होता है वो अलग हो जाता है, इसलिए कद्दूकस करके लोगे तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्वीट कॉर्न की जगह आप जो देसी मकाई मिलती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मकाई लो वो अच्छी सी फ्रेश होनी चाहिए। पराठे का आटा गूंदने के लिए मिक्सिंग बोल में हम 2 कप यानी कि वज़न के मुताबिक 250 ग्राम गेहूं का आटा लेंगे। जो चपाती बनाने के लिए हम उपयोग में लेते हैं वो ही आटा लेना है और उसमें कद्दूकस किए हुए मकाई ऐड करेंगे। अभी हमने जो मेज़रमेंट लिया है उसके मुताबिक मीडियम साइज़ के 10 नंग पराठे तैयार हो गए। मसाले में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सफ़ेद तिल और तिखास के लिए 1 से 1.5 चम्मच या स्वादानुसार अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके साथ चुटकी भर हींग, स्वादानुसार नमक और पराठे को लंबे समय तक सॉफ्ट रखने के लिए उसमें 2 चम्मच तेल का मोयन ऐड करके सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। पराठे का रंग अच्छा सा पीला रहे इसलिए हम इसमें लाल मिर्च पाउडर या धनिया पाउडर का उपयोग नहीं करेंगे। यह आटा लगाते वक्त हमें बिल्कुल पानी ऐड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि स्वीट कॉर्न में भी मॉइस्चर होता है। इस तरह से मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदने के बाद उसके ऊपर आधा चम्मच तेल ऐड करके आटे को हल्के हाथों से हम मसल लेंगे। आटा गूंदने के बाद उसे ढककर रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने स्वीट कॉर्न का उपयोग किया है, इसलिए पराठे अच्छे से सॉफ्ट ही बनेंगे। अब आपको जितनी साइज के पराठे बनाने हो उसके मुताबिक हम उसमें से लोई तैयार करेंगे। तो इतने आटे में से हमने 10 नंग लोई तैयार की है। आटे की लोई को गेहूं के सूखे आटे में कोट करके चकले के ऊपर रखकर उसमें से मीडियम थिक साइज का गोल पराठा बेलेंगे। अभी हम ट्रायंगल शेप के पराठे बना रहे हैं, तो आगे जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ उसे खास फॉलो करें। पराठे के ऊपर हम आधा चम्मच जितना तेल स्प्रेड करेंगे और उसे अर्ध गोलाकार शेप में फोल्ड करेंगे। फिर उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा तेल स्प्रेड करें और उसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। इस तरह से तेल स्प्रेड करने से जो पराठे हैं वो काफ़ी लेयर वाले और खस्ता तैयार हो गए। अगर आपको ये लेंथी प्रोसेस करनी ना हो तो आप रेगुलर थेपला की तरह गोल पराठे भी बना सकते हैं। फिर से उसे सूखे आटे में कोट करके उसमें से मीडियम थिक ट्रायंगल शेप का पराठा बेलेंगे। पराठा ज़्यादा पतला ना बेले वरना सेकने के बाद उसके जो लेयर है वो अलग नहीं होंगे। इस तरह से हम बारी बारी सभी पराठे बेलकर तैयार करेंगे। अब लोहे के तवे के ऊपर 1 चम्मच जितना तेल डालकर उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और तवे को 2 से 3 मिनट तक गर्म होने देंगे। तवा गर्म हो जाए फिर उसके ऊपर बेला हुआ पराठा रखकर उसे दोनों साइड से अच्छे से सेकेंगे। नीचे की साइड से पराठा थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर आवश्यकता के अनुसार उसके ऊपर तेल रखते जाए और दोनों साइड से वो अच्छा सा थोड़ा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो तब तक उसे सेके। सेकते वक्त हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है। एक बार पराठे को सेकने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर सेकोगे तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। स्पैचुला की मदद से उसे हल्के हाथों से प्रेस करें ताकि अंदर से भी वो प्रॉपर तरीके से पक जाए। दोनों साइड से पराठा अच्छे से सीक गया है, उसे एक स्टैंड पर रखेंगे और बारी बारी इस तरीके से सभी पराठे को हम सेक लेंगे। अभी मैंने पराठे के साथ दही सर्व किया है, आप उसे चाय, चटनी, अचार या मुरब्बा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और पराठे बनाने की रीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी इजी और क्विक रेसिपीज़ देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।